8 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन आ जी, वोट किसको करें? वोट इंशाल्लाह शेर को करेंगे जी। कहाँ के रहशी? मैं गुजराने का रहशी हूँ। पुरम दस्तगीर साहब का जी बिल्कुल। ओके, क्या वजह है कि वोट किसको करें? वजह तरक्की को वोट करेंगे। वजह है एक ही है बस, तरक्की को वोट करेंगे। तरक्की को करेंगे। क्या तरक्की की? तरक्की बहुत की है, गुजराने से बहुत कुछ किया। पुल बनाए हैं और किनाए सड़कें बनाई हैं, साडा मेन शहर बहुत खूबसूरत किया है। हाँ जी, ओदी वजह तो। भजन आप किसको करेंगे? पीटीआई। वो कहते हैं सड़कें बनाई हैं हमने, पुल बनाए हैं, आप पीटीआई को वोट? सर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, कौन सी सड़कें बनाई हैं सर? मोटरवे मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं होया, मुल्क का बेड़ा गर्क किया इमरान खान ने किया है। साढ़े तीन साल दिया है यूथ को शौर दिया, शोर नहीं शौर। मुल्क को लूट के चले जाते हैं, 10 साल बह रहते हैं, 5 साल बह रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। वो इलाज कराने तरक्की करने आते हैं। अच्छा, तरक्की करके चले जाते हैं, तरक्की कर रहे हैं। भाई मुल्क चलाना है, तरक्की उन्होंने नहीं करनी, मुल्क ने करनी है। सचमुच से निकल जाता है भाई, वो तरक्की के लिए आते हैं, तरक्की करेंगे, पैसे कमाएंगे। उन्होंने नहीं करनी, मुल्क ने करनी है। उन्होंने मुल्क ही कर देने, मुल्क तरक्की करने आते हैं चले जाते हैं। अरे जो लीडर ने शौर दिया आवाम वही बात करेगी ना, जो नून लीग ने भाई को शौर दिया उसने तो वही बात करनी है ना। अभी तरक्की करेंगे 2-3 साल फिर चले जाएंगे, माशाल्लाह चले जाएंगे। नहीं क्यों करेंगे, इधर के हैं इधर ही करेंगे। उधर देखो, उधर देखो। ले जी मियाँ साहब तरक्की करने आते हैं, मुल्क में तरक्की करके वापस चले जाते हैं। अरे भाईजान वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या करते हो? दुकान है, नहीं स्टडी नहीं करता। अच्छा, 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहे हैं जी, बिल्कुल। वोट इमरान खान। कहाँ के रहने वाले हो? चेक नंबर 17 तहसील चुनिया जिला अकसूर, पोस्ट ऑफिस कोट राधा कृष्ण यूनियन कौशल जूसी थ्रेड, चेक नंबर 18। ओके भाईजान, आपका वोट? पीटीआई। कहाँ के रहने वाले हो? लाहौर। आप भाई? सिरुलाना में पीटीआई गुट इंशाल्लाह। बाजोड़ एजेंसी जी। अच्छा, किनारे जितना नून लीग ने उन्होंने मैं जो वोट पाना है एक ताड़े नाल जित जड़ के तीन एक साइड ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪੱਕੀ नहीं पता था कि ये करप्शन क्या होती है। उन लोगों ने बताया ये करप्शन होती है, हमारे मुल्क को कौन कौन लूट रहा है, इसलिए आई लव इमरान। सबूत हैं सब, सबके हैं सबूत थे, तो इसीलिए 4 साल गैप रहे हैं। वोट क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे क्योंकि जो है ना इमरान खान का हॉस्पिटल शौकत खानम, उसमें बड़ी एफर्ट हुई है हमारे साथ ना उनकी, इसलिए हाँ है था, इलाज हुआ है, बड़ा पुराना जो है ना वोट कर रहे हैं उनको खान साहब। वालेकुम सलाम, खैरियत से जी? अल्हम्दुलिल्लाह। 8 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन आ रहा है पाकिस्तान में, इंशाल्लाह। किसको वोट करेंगे? पीटीआई को। वजह मतलब कोई होता है ना कि ये रीजन है किसी वजह से वोट करूंगा पीटीआई? वैसे एक सच्चाई नजर आती है, लीडरशिप नजर आती है इमरान खान साहब में। नवाज शरीफ साहब में नजर? नहीं बिल्कुल भी नहीं। 3 दफा वजीर आजम रहे यार, क्या किया? क्या किया? मोटरवे बनाई है। वो तो अपनी कमीशन है, उनकी मोटरवे बनाई सर, ये सारा कुछ अपनी फैक्ट्री के। ऐसे ना करो यार, इस्लामाबाद क्यों 4 घंटे में बंदा सीधा इस्लामाबाद? वो तो चला ही जाता है, लेकिन कमिश्नर जो खाई है वो नहीं। हमने दानी स्कूल बना के दिया। कौन सा स्कूल? दानी स्कूल शहबाज शरीफ ने बना के दिया। दियो होगा भाई? नहीं फिर भी नहीं, मजा नहीं है। मैं तो नून लीग बन के पूरा कन्विंस किया, फिर भी नहीं। नहीं मजा नहीं है। ओके भाईजान, वोट? वोट पीटीआई को। पीटीआई जी। क्या वजह? वजह अच्छा बंदा है, नेक इंसान है और ईमानदार है। नवाज शरीफ साहब नहीं है? नहीं ईमानदार नहीं, नहीं है। वो भी नहीं है। चले फजलुर रहमान साहब? वो भी नहीं है। सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी वाले? वो ईमानदार हैं, उसके अलावा देना फिर भी पीटीआई को ही है। ईमानदार तो मैंने आपको एक और भी ढूंढ के दे दिया, फिर भी पसंद है, मैं वही पसंद है। पसंद है जी, अच्छा काम करके दिया उन्होंने, सेहत कार्ड बना के दिया। मैंने खुद अपने भतीजे का उससे इलाज करवाया सेहत कार्ड के जरिए, उसके अलावा 12-12 हज़ार रुपये भी मिल रहे थे जो गरीब हैं। उसके अलावा लंगर खाने बनाया इसने, हॉस्पिटल भी बनाया शौकत खानम, एक और बना रहा, अच्छे काम कर रहा जी। कोई चांस नहीं नवाज शरीफ? नहीं कोई चांस नहीं, वोट पीटीआई का। जितना भी कन्विंस करा था फिर भी नहीं पड़ा, जितना मर्जी कर लें फिर भी वोट पीटीआई का ही है पक्का जी, पक्का। बाद में अमीर हो गए एकदम से,
नवाज शरीफ साहब। अब वो हाँ एक कहते हैं मैं किसान का बाप था, हाँ जी कहते हैं कि अबाव अजदाद बहुत अमीर लोग थे। जी जी वो किसान बाप के बेटे थे, गरीब बाप के बेटे थे, फिर वो कोई जिन उनके पास आया जिसने उनको दिनों में अमीर कर। इंडिया में कारोबार हैं, बाहर हैं, लंदन में हैं, आपको सबको पता है। कारोबार की मेरे पास तफसील नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन पता आपको भी है और मुझे भी है, उनकी तफसील मेरे पास है। थैंक यू भाई, थैंक यू। नारायण आज का शो आपने देखा, ये भी सेफ हल्का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सेफ हुआ करता था। यहाँ से महमूदुर रशीद साहब भी तहरीक इंसाफ यहाँ से जीतती आई है। अब यहाँ के डायनामिक्स भी वही है जो लाहौर में ज्यादातर आपको आवाज आती है कि मेजोरिटी वोटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन मार्केट थी तो मार्केट में डिफरेंट एरियाज के लोग आए हुए थे, मेरी सभी से बात होती रही। सो ज़्यादातर आवाज़ पूरे पाकिस्तान की है, स्पेशली पंजाब के जिन एरिया से लोगों से यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई है, पंजाब का वोटर ज़्यादातर तहरीक इंसाफ की बात करता हुआ दिखाई देता है। एट द सेम टाइम एक चीज़ पर शिकवा भी करता दिखाई देता है कि उनकी जमात के साथ ज्यादती हो रही है। फिर वो ये भी शिकवा करता है कि बल्ले का निशान तो छीन लिया, लेकिन वो साथ ही खुद भी दलील देता है कि आपने बल्ले का निशान तो छीन लिया लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो निशान है वो तो इमरान खान है। अच्छा जी की हाल? ठीक हो जी, ठीक ठाक हो, ठीक हो। कितू दे हो? जिले पाक पतन पाक पतन दे। हां जी वोट आंदे पेन? हां जी। किनु पास हो? हां किनु पाव दे वोट? उमर लेकिन किनु जिनु जेड़ा कुर्सी ते बावे कोनु पावांगा वोट पावो रे चाचू ते ता कुर्सी ते बणना है किसे? हां पास जरूर पास अल्लाह नु बावे। हां आवेज जरूर लेकिन जिनु वोट पावो ते ओ कुर्सी ते बवेदा। हां जी अल्लाह पास ही। हां चलो मेहरबानी मेहरबानी। कितना कद है आपका? मेरा 6'2" 6 फुट का तो मैं चेंज करके गल करनी पे। अच्छा ऊपर खड़े हो? मैं चेंज करके गल कर 7 फुट कद है पाएंगा। अच्छा इलेक्शन आ रहे भाई? बिल्कुल आ रहे हैं। वोट इमरान खान? क्या वजह? इमरान खान वैसे मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है, एक तो क्रिकेटर थे, उन्होंने हमें शऊर भी दिया है, इस वजह से मुझे उन्होंने ये शऊर दिया। अब मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि नून लीग वाले सड़कें वगैरह बनाते हैं, ठीक है, सड़क नहीं बननी चाहिए, सड़कें वगैरह से फ़ायदा कुछ भी नहीं है, गरीब आवाम के लिए तो नहीं है ना, गरीब को कुछ अच्छा सा बना के दें, कोई फैसिलिटी दें, कुछ भी दें, लेकिन इन्होंने नहीं दी भी कोई भी फैसिलिटीज। हॉस्पिटल नहीं बनाए इन्होंने? हॉस्पिटल कौन से बनाए हैं इन्होंने? सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज करते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कराता था सबका, उनके कहने से वो करवाते हैं शायद, ठीक है। कहते हैं मैंने दानी स्कूल बना के दिया बच्चों के लिए। अच्छा ठीक हो गया। कहते हैं कि हमने मोटरवे बना के दिया आपको। हाँ मोटरवे सफर के लिए बनाई है, गरीब आवाम के लिए क्या बनाया है? गरीब आवाम के लिए क्या होना चाहिए कि इससे बेहतरी आ सके उनके लिए? कोई उनको मतलब कि अभी स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, जैसे थोड़ी देर बाद आते हैं उठा देते हैं, इनका क्या है? गैर कानूनी क्या? तो ये रोटी कैसे कमाएंगे? उसका बंदोबस्त जरूर किया जाना चाहिए। हाँ तो वही मैं आपको कह रहा हूँ, पूरी बंद हो जाती है इससे ब्लॉक है तो तजावजात। अब इमरान खान की सहूलत थी, उन्होंने सहूलत दी हुई थी, इधर आते भी नहीं था कोई। फिर सेकंड आपको वो दूसरी जगह पे उसने लगा था स्टॉल्स वगैरह बनवा के दिए हुए थे। मार्केट वैसी बननी चाहिए, मैं तो बिल्कुल वैसी मार्केट बननी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। वोट टीएलपी का? टीएलपी का कौन सा आप लड़ रहे हैं वहाँ से? यार ये नहीं अभी पता, फाइनलाइज ही नहीं हो रहा अभी तक। हो गया नहीं, अब तो अनाउंस हो गया नहीं, इंतखाबी निशान मिल गया नहीं, अभी तक वहाँ का पता नहीं है। हो गया पता करो, हर जगह की हो गया। ठीक, थैंक यू। खैरियत से? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत। बर्बरी चेक पड़ा हुआ है भाई? बर्बरी तुझे कितने रोलता है? दाल बस आपको पता है पाकिस्तान है, बर्बरी तुझे कितने रोलता है? अच्छे खासे बंदे रुल जाते हैं यहाँ पे, तो फिर बर्बरी चेक है। हार्ट पर भी कोई इलेक्शन आ रहा है? जी जी। वोट? वोट पीटीआई। किस किस जगह के रहने वाले हैं? मैं अंदरून शहर का, लाहौर का। कौन साल का है? हमजा शहबाज वाला या मरियम वो नवाज शरीफ साहब वाला? 130 है, 118 130 है। नवाज शरीफ साहब वाला? हाँ जी। उनके मध्य मुकाबले कौन है? जो भी है लेकिन पीटीआई को। उनका इंतखाबी निशान क्या है? बल्ला तो नहीं है? नहीं है बल्ला, नहीं है कुछ, कोई और चेंज हो गया ना तो फिर जो भी है कैसे जो भी होगा, लेकिन वोट तो उनके देंगे। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बिल्कुल नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसलिए तो कह रहा हूँ। रिकॉर्डिंग से पहले की भाई की कॉन्वर्सेशन थी, मैंने उसका रेफरेंस दिया।